फिट है। दोस्तों आज भी बहुत सारे न्यूज घर पर ले आया हूँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज से निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों फेसबुक का नाम लगभग चेंज हो चुका है, पूरी तरह से नहीं दोस्तों, इसका नाम हो चुका है मेटा। और दोस्तों मैं बता दूं ये इनकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है एक तरह से। बेसिकली जो आपका पहले लिखा आता, जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, तो वहां पे लिखा आता है व्हाट्सएप बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम बाय फेसबुक, तो वो अब चेंज हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा व्हाट्सएप बाय मेटा, इंस्टाग्राम बाय मेटा, और इसी तरीके से फेसबुक बाय मेटा। तो दोस्तों मेटा जो है वो उन्होंने एक पेरेंट कंपनी डाल दी है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों ये बेसिकली जो हमारे एआर के ऊपर बेसिस है, या फिर वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी, या फिर आर्ग्यूमेंट रियलिटी, दोस्तों इनकी जो इनके लैब्स थी फेसबुक के अंडर, उसे अलग कर दिया गया है, इसको अंडर कर दिया गया है मेटा के। तो दोस्तों मेटा एक, मैंने आपको बताया था मेटावर्स के ऊपर रखा गया है इनका नाम, एक शॉर्ट फॉर्म हो गई है मेटा। और दोस्तों ये काफी जबरदस्त होने वाला है, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या कुछ लेके आते हैं ये लोग। और दोस्तों अगली न्यूज भी निकल के आ रही है मेटा की तरफ से। और दोस्तों मेटा की पहली न्यूज, मेटा की दूसरी न्यूज, मेटा लेके आने वाला है दोस्तों एक स्मार्ट वॉच विद नॉच डिस्प्ले कैमरा। अब दोस्तों कमाल है, नॉच डिस्प्ले एक स्मार्ट वॉच के अंदर दोस्तों बहुत कम सुनने को मिला है ऐसा, या पहली बार मैं कह रहा हूं। और दोस्तों ये एप्पल वॉच को बीट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, काफी जबरदस्त होने वाली, कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी आपको क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाएगी, काफी जबरदस्त आपको फोटोज वगैरह खींचने को मिल जाएंगी। दोस्तों देखते हैं, अभी तो सिर्फ इसकी एक फोटो निकल के आई है, बाकी क्या स्पेसिफिक निकल के आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आ गई है सामने फिर से, और सैमसंग जो है वो शिपमेंट में सबसे ऊपर रहा फिर से थर्ड क्वार्टर के अंदर भी, और शाओमी है वो थोड़ा नीचे हो गया, एप्पल ने उसे थोड़ा बीट कर दिया, और अभी शाओमी जो है वो फिर से थर्ड नंबर पे आ चुका है, और सैमसंग फिर से सेकंड नंबर पे अटका हुआ है एकदम बराबर अपनी पोजीशन पे, और फर्स्ट नंबर पे फिर से आ चुका है एप्पल। तो दोस्तों एप्पल ने अपनी रेपुटेशन फिर से लेके आया है वापस। वैसे शाओमी ने बहुत ज्यादा डिलीवरीज की हैं वर्ल्ड वाइडली, तो बहुत ही ज्यादा, तो उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा इसमें बिके हैं रेडमी सीरीज के अंदर। तो दोस्तों आप बताइए आपने कोई लिया है फोन रेडमी सीरीज के अंदर? और दोस्तों बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इश्यू, बेसिकली जो जिन लोगों को पिक्सल 6 या पिक्सल 6 प्रो मिल चुका है, अभी इंडिया में तो नहीं आया दोस्तों, जो बाहर यूके यूएस वगैरह में जहां भी शुरू हुए थे, जो लोगों को मिलना शुरू हुआ है वो अर्ली यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं इन फोन्स के अंदर। दोस्तों बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो फोन है वो फ्लिकर कर रहा है, उसकी स्क्रीन फ्लिकर करती है बार बार, और इसमें ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन लाइंस भी आ रही है बार बार। और दोस्तों कई यूजर्स ने ट्विटर के ऊपर ये भी कहा है कि इसका बटन वगैरह प्रेस करने की वजह से कोई शायद स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन ऐसा कर रही है, क्योंकि फोन जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था IP68 की रेटिंग के साथ में आता है, तो एकदम फुली वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है, तो बाहर से तो कोई चीज जा नहीं सकती, अंदर ही उसके या तो कुछ खराबी है कुछ भी है। तो दोस्तों बहुत से यूजर जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं, अभी गूगल ने इसके बारे में कोई अपडेट या फिक्स के बारे में नहीं बताया। और दोस्तों ये भी सामने नहीं निकल के आया अभी तक कि ये कोई सॉफ्टवेयर का बग है या हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, तो देखते हैं दोस्तों। वैसे ये जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, और मैं कहूंगा अच्छा है इंडिया में नहीं आया, वरना इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास ऐसी चीज आया थी, तो अभी तो अच्छा है, ठीक होके एकदम अच्छे से प्रॉपर बन के फोन आए, तो कोई दिक्कत ना ही हो तो अच्छा है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप जो है बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर काम करना बंद कर देगा। दोस्तों उन्होंने कहा है कि एंड्रॉयड 4.1 का वर्जन मिनिमम चाहिए, उससे ऊपर वाले में ही काम करेगा। अगर 4.0.1 है तो उसके ऊपर या उससे नीचे वाले सभी एंड्रॉयड्स में ये व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। यानी कि आप कह लीजिए दोस्तों मिनिमम जो है वो किटकैट 4.1 चाहिए, उससे नीचे वाला नहीं काम करेगा। अगर वो है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको फोन चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप व्हाट्सएप की अपनी चैट्स वगैरह को बैकअप रखो और नए फोन में लेके आओ, वरना आपका सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो डिवाइसेस है उनको या तो अपग्रेड कीजिए या फिर फोन चेंज कीजिए। और दोस्तों अगला अपडेट जो आपको निकल के आ रहा है निकॉन की तरफ से। दोस्तों निकॉन का Z9 एक नया कैमरा निकल के आया है दोस्तों, काफी जबरदस्त कैमरा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये 8K वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता है, 4K वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता है। दोस्तों 8K वीडियो 30p के ऊपर 125 मिनट तक ये कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर सकता है, और 4K वाली जो है अल्ट्रा HD वर्जन के ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हो 120p के ऊपर। दोस्तों 120p यानी कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आपको पिक्चर क्वालिटी वगैरह मिल जाएगी। दोस्तों अब बताता हूं मैं इसका प्राइस, तो इसका प्राइस निकल के आया है 4,75,995 रुपीज में।
तो दोस्तों ये इंडिया में सिलेक्टेड कुछ जो कि उनके साथ रजिस्टर्ड है ट्रेडर्स वगैरह या फिर शॉप्स, उनके ऊपर ही आपको कैमरा मिलेगा। तो जो भी ट्राई करना चाहते हो रजिस्टर्ड शॉप के पास जाइए, आपको ये कैमरा वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुका है या रिवील हो चुका है बेसिकली जियो फोन नेक्स्ट। दोस्तों इसके बारे में सब कुछ निकल के सामने आ चुका है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी 5.45 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले, दोस्तों मैं कहूंगा ठीक ठाक है। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 जो मैंने आपको पहले बताया था। ये 1.3 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है तो आपको अच्छी ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है फ्रंट में 8 MP का कैमरा, 5 MP का एक्सपेक्टेड था लेकिन 8 MP आया, अच्छा है। बैक साइड में आपको 13 MP का मिलेगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको रैम और रोम की, तो रैम मिलेगी आपको 2GB और रोम मिलेगी 32GB। तो दोस्तों रोम जो है बढ़ गई और रैम मेरे को लग रहा था शायद 2GB है, तो रैम तो वही आई है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, तो बैटरी अनएक्सपेक्टेड थी। बैटरी मेरे को लग रहा था 2500 तक आएगी पर इसकी आई है 3500 mAh की, तो काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों ये एंड्रॉयड 11 गो के ऊपर आएगा, गो एडिशन के ऊपर बेसिकली, जो कि आपको मिल जाएगा प्रगति OS, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर आपको जो भी एप्स वगैरह मिलेंगी वो गूगल की या फिर जियो की अपनी मिलेंगी गो एप्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस फोन को। अब दोस्तों मैं बताऊं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस जो नहीं सोचा था भैया है, दोस्तों इसका प्राइस आया 6,499 rupees। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी रैम और रोम बढ़ा दी गई है, इसमें बैटरी बड़ी लगा दी गई है, तो ये फोन आया इस प्राइस के ऊपर, मैं कहूंगा ठीक है। और बाकी दोस्तों इसे आप तो जियो मार्ट से खरीद पाओगे 4th of November यानी कि दिवाली वाले दिन से इसकी जो आप बुकिंग वगैरह करा सकते हो, इसको बाय कर सकते हो जियो मार्ट वगैरह पे जाके। आपको दोस्तों एक नंबर मिल सकता है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इस नंबर को आप व्हाट्सएप के ऊपर सेव कीजिए और वहां पर हाई का मैसेज करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने जियो मार्ट पे जाके वहां से फोन को कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जियो ऐप के थ्रू भी इसे खरीदा जा सकता है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपको काफी अच्छी ऑफर्स वगैरह मिल जाएंगी। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा 1,999 rupees देके आप ये फोन ले सकते हो, बाकी के अमाउंट को आप EMI के ऊपर रख सकते हो। दोस्तों ये सारी ऑफर्स वगैरह आ चुकी हैं, तो 4th of November दिवाली वाले दिन से इसका सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी लोग वेट कर रहे थे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों यूरोप NCAP की तरफ से। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है, इनकी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी कार्स की, और सबसे ज्यादा अच्छी रेटिंग मिल रही है मस्टैंग मैच ई की। दोस्तों इसको मिली है 5-star रेटिंग और साथ में ही XC40 को भी मिली है 5-star रेटिंग, दोस्तों काफी अच्छी बात है। ह्यूंडई की कुछ कार्स हैं जिनको 5-star रेटिंग मिली है या 4-star रेटिंग मिली है, तो उन्होंने कहा है ये भी काफी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी मिली है मस्टैंग मैच ई को। तो दोस्तों सेफ्टी रेटिंग होनी चाहिए, जरूरी है सभी के लिए। और दोस्तों अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और दोस्तों अगली न्यूज में निकल के आ रही है फिर से यूरोप NCAP की तरफ से रेटिंग में, और दोस्तों मारुति सुजुकी की बुलेनो को मिली है 0 रेटिंग। दोस्तों बहुत ही अजीब बात है, अभी आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट को भी मिली है 0 रेटिंग, और अभी इसको भी मिल चुकी है 0 रेटिंग। दोस्तों इसका मतलब ये कार्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, मतलब इतनी अच्छी कार है फिर भी। तो दोस्तों उन्होंने कहा है इसके अंदर सेफ्टी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं टोयोटा की यारिस, तो उसको मिली है 1-star रेटिंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल लो रेटिंग वाली कार्स आई है सामने निकल के सेफ्टी में, तो बहुत बुरी बात है दोस्तों, सेफ्टी तो होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मर्सिडीज की तरफ से, और मर्सिडीज की AMG SL रोडस्टार, दोस्तों ये रिवील हो चुकी है कार, काफी अच्छी लग रही है दिखने में, आप देख सकते हो। दोस्तों इसके अंदर कंफर्म हुआ है कि ये कार के अंदर V8 इंजन आने वाला है, तो काफी अच्छी आपको पावर और टॉर्क मिल जाएगा। दोस्तों अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मिला है, पर फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा 577 HP की पावर। दोस्तों काफी अच्छी कहूंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी पावर है। और दोस्तों कार के आप लुक्स वगैरह देख सकते हो, अंदर से बाहर से इंजन का भी देख सकते हो, बहुत जबरदस्त निकल के आई है। दोस्तों अभी ये रिवील हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो निकल के आएंगी जो लॉन्च होंगी इनकी GT में, कोई ना कोई कार्स जो कि आएंगी 2023 में, उसके साथ में इसकी बाकी डिटेल्स निकल के आएंगी सामने। तो दोस्तों मैं कहूंगा अच्छी बात है, मतलब हो सकता है कि ये अगले साल ना आए 2023 में आ जाए, पर आज ये रिवील हो चुकी है।
तो दोस्तों दुगाटी ने अनवील कर दिया उनकी नई मल्टी स्टार्ट 4V पाइक्स पीक। दोस्तों ये उनकी नई बाइक आने वाली है। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा 1158 cc का इंजन। दोस्तों काफी बड़ा इंजन है, काफी अच्छा इंजन है, आप लगभग कह सकते हो 1160 cc का ही कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको पावर मिल जाएगी 170 hp की और टॉर्क मिलेगा 125 nm का। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर काफी ज्यादा अपग्रेडेशन वगैरह हुई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर रेस मोड भी आ चुका है, तो एक अच्छा नया अपडेट आपको मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। दोस्तों काफी पावरफुल है वी इंजन, बाकी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट न्यूज निकल के आ रही है होंडा की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि अपनी इलेक्ट्रिक जो बैटरी स्वैपिंग की है वो सर्विस देंगे रिक्शा वालों को जो ई रिक्शा वगैरह चलाएंगे इंडिया के अंदर। तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, ये उन्होंने कहा है कि लोकल सब्सिडरीज वगैरह के साथ मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे बैटरी स्वैपिंग का। दोस्तों जरूरी भी है क्योंकि ई रिक्शा वगैरह के अंदर जो भी बैटरी वगैरह अब मान लीजिए डाउन हो गई है, खत्म हो गई है, तो उनको स्वाइप करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो होंडा कह रहा है कि हम इसके साथ मिलकर काम करेंगे और इंडिया के अंदर अपनी फुल सर्विस देंगे। तो दोस्तों आज की यही न्यूज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।